अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल खैर से हैं? आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर से होंगे और मुख्तलिफ वीडियोस से एंजॉय कर रहे होंगे और खूब अपनी तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम्स में, ठीक है। अच्छा गाइस, चैप्टर नंबर 1 सेकेंडरी केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स के हवाले से, उसका अगला टॉपिक जो हमारा वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बुनियाद पर एलिमेंट्स को किस तरह हमने डिवाइड किया। तो हमने इस हवाले से डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहली बात यह रखिएगा कि अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्लासिफिकेशन है एस पी डी एफ ब्लॉक्स के अंदर, ये किस बुनियाद पे की है? तो याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बुनियाद पर, यानी जो एलिमेंट अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिस ऑर्बिटल पर एंड करता है, करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एस ऑर्बिटल पर एंड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एस ब्लॉक एस ऑर्बिटल पर एंड होती है, ठीक है। इसी तरह पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पी ऑर्बिटल पर खत्म होगी, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डी ऑर्बिटल पर खत्म होगी। तो जिस आखिरी ऑर्बिटल पर कोई भी एलिमेंट अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड करता है वो ही उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हिसाब से ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास 4 ब्लॉक बनते हैं एस पी डी एफ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास पहली बात तो ये एलिमेंट्स हमें टिपिकल एलिमेंट्स का टिपिकल या नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का, ठीक है। और यहाँ ये भी बिल्कुल सेम इसमें पॉइंट है कि ये एलिमेंट्स भी टिपिकल कहलाते हैं, पी ब्लॉक वाले को भी कहलाते हैं नॉर्मल कह लें, ठीक है, या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का, ठीक है। अच्छा जी, तो बात चल रही थी कि सेकंड अगर हम पॉइंट बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम कह सकते हैं कि एंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑन एस ऑर्बिटल, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एस ऑर्बिटल पे होती है। अगर इनकी बात करें तो एंड्स इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट में लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑन पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो आपकी पर एंड होती है, ठीक है। अच्छा, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ 2 ग्रुप है, 1A से लेकर 2A, ठीक है। ये जो 1A ग्रुप एलिमेंट्स हैं इनको अल्काइन मेटल्स कहते हैं और 2A ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्काइन अर्थ मेटल्स का नाम, ठीक है। अल्कली एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक एश टाइप होता है, और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ट्रांजियम, ये सारे जो है वो अल्कली बनाते हैं, यानी सॉल्युबल बेसिस जो है वो फॉर्म करते हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहा गया। जबकि दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ये भी हमारे अल्कली फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ये हमारे अर्थ क्रस्ट में कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जबकि इनकी जब यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो है वो 3A से ग्रुप स्टार्ट हो रहा है और अप टू 8A इसमें मौजूद है, ठीक है। और ये अपनी डिस्कशन कर लीजिए, एक थर्ड वाले क्या कहलाते हैं, फोर्थ वाले क्या कहलाते हैं, फिफ्थ सिक्स सेवन वाले एलिमेंट्स जो है वो क्या कहलाते हैं, ठीक है, ये हमने बात कर ली। अच्छा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की मंजिल बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये एक तो मेटल्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कंपैरेटिवली पी ब्लॉक के जो है वो लो आयनाइजेशन एनर्जी, जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन ऑफ करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं,
आपके पास जो है वो एलिमेंट है लिथियम, अब लिथियम नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन 1s2 और 2s1, लेकिन s1 आ रहा है, sn तो कुछ भी हो सकता है लेकिन s में 1 आएगा। इसी कारण मैग्नीशियम की बात करें, अब मैग्नीशियम का नंबर 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, लेकिन s2 आ रहा है, तो इसका मतलब है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन जो है या तो s1 को फॉलो कर रही होगी या s2 को फॉलो कर रही होगी, ये होगी बात। अच्छा, अब इसी तरह अगर p ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो p ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर आपको मिक्स सर्कल एलिमेंट्स मिलते हैं, मेटल्स भी होंगे, नॉन मेटल्स भी होंगे, मेटलॉइड्स भी होंगे, मतलब एक मिक्सचर सा आपको इस ब्लॉक के अंदर जो है वो नजर आएगा। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो जनरल मैकेनिकल कन्वेक्शन की ns2 np1 से स्टार्ट होगी, ns2 और np6 पर आकर एंड में, ये इसकी जनरल मैकेनिकल कन्वेक्शन है। अच्छा, अब ये n क्या है, अक्सर कंफ्यूजन रहती है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि फर्स्ट करते हैं आप बोरॉन की बात करें, बोरॉन नंबर 5, ठीक है, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन करूं तो 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p1, और बोल रहे कि इसमें आप देखिए ये आपका n हो सकता है, यानी ये जो नंबर आ रहा है n आ रहा है, और ये देखिए s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं और p में 1 आ रहा है। अब ये सिलसिला चलता रहेगा कब तक, जब तक कि आपका जो एलिमेंट ऐसा ना जाए जिससे इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन जो है वो आपकी हुई NH2 NP6 पर। मिसाल के तौर पर नियॉन है, ठीक है, अब नियॉन की बात करें नंबर 10 है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, अब आप देखें 2p6 आ गया, देखें 2s2 2p6, तो ये पूरी रेंज दे रहे हैं। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन हम यहां लिख रहे हैं ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन ऑफ होल पी ब्लॉक, ठीक है, और इंडिविजुअल अगर आपसे थर्ड ग्रुप की कहा जाएगा तो NS2 NP1, ये थर्ड ग्रुप की, अगर फोर्थ की कहेंगे फोर्थ एक लिखे तो NS2 NP2 हो जाएगा, फिफ्थ ग्रुप की लिखे तो NS2 NP जो है वो 3 हो जाएगा, तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन जो है वो आगे जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, अब आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें तो पहली बात करें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स सारे के सारे जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल भी कह सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, इनमें ये जो आपका डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है वो थर्ड बी से स्टार्ट हो रहा है और अप टू ए बी, देन 1b और 2b के एलिमेंट्स आ गया, 1b और 2b के एलिमेंट्स आ गया आपको बताएंगे। ठीक है, यानी ये पीरियड ये ब्लॉक थर्ड बी से स्टार्ट होता है, ए बी तक जाता है, उसके बाद फिर 1b 2b के एलिमेंट्स बाद में, एंड दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसी वजह से अभी जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है उसमें हमने ए और बी फैमिली को खत्म कर दिया, अब हम 1 से स्टार्ट करते हैं और 18 एलिमेंट्स 18 ग्रुप से चलते हैं, 1, 2, 3 ग्रुप अप टू 18 ग्रुप तक जो है वो बात की जाती है, तो ये जो है प्रॉब्लम वहां पर जो है सॉल्व हो गया। बारह इसमें अगर बात करें तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, अच्छा एक तो इन्हें आउटर ट्रांजिशन कहते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर सेट पे जो है वो जंप कर रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनकी होती है, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, बड़ा कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, हमने देखा गया कलर फॉर्मेशन होती है, कलर कंपाउंड बना रहे होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, और इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन देखें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन कैसी हो जाएगी, बहुत वजह रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन चेंज है, NS2 N-1 D1 से लेकर D10, आप एक सर ये का चक्कर है, तो भाई इसका चक्कर ये है कि फर्स्ट करते हैं आप बस एलिमेंटेड जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, आयरन 26, ठीक है, Fe की बात करो। अच्छा, अब मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
अब हमने 4s2 के बाद अगला जो हमारा था 3d आ रहा है, यानी 4s को 3d बचे कितने 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते थे, टोटल काउंट करने 20 एलिमेंट्स 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अब बोल रहे हैं ns2 यानी 4s2 n minus 1 यानी 4 में से क्या करेंगे d आएगा, यानी d का एलिमेंट्स की खास बात यह है कि जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो भी s ऑर्बिटल होगा, जो भी s ऑर्बिटल होगा उससे एक नंबर कम d ऑर्बिटल होगा, अगर वो s 6 है तो ये 5 होगा, वो 5 है ये तो ये 4 होगा, वो 3 है तो ये 4 होगा, ये आपका जो है वो क्या होगा 3 होगा, यानी एक नंबर कम होगा, जैसे वो आपका 4 है तो ये 3 हो जाएगा, वो आपका 5 हो रहा है तो ये जो है वो आपका 4 हो जाएगा, वो 6 हो रहा है तो ये 5 हो जाएगा, यानी एक नंबर आपका जो है वो कम हो रहा है 12, ये आप फिक्स कर लिया। और इसमें फिर आप ब्यूटी भी मालूम कर सकते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स की रिकॉर्डिंग क्या उसमें जा सकती है, हमारे थर्ड ग्रुप की क्या है, फोर्थ ग्रुप की क्या है, फिफ्थ ग्रुप की है। अच्छा अब इसमें कुछ स्पेशल केस आते हैं वो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन हुआ कि यहाँ इस जगह पर थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लूँ, ठीक है। स्पेशल केस ये है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट आ रहा है क्रोमियम, सर क्रोमियम का नंबर 24 है, ठीक है, तो बोर्ड पे दिखाई नहीं रहा, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ठीक है, क्रोमियम एलिमेंट है, क्रोमियम कमी नंबर 24, ठीक है। अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन। अब कहते हैं कि जब d4 होगा ना, जब भी d4 होगा चाहे यहां कंपोजिशन कोई कुछ भी क्यों ना हो, d4 एटम को अनस्टेबल कर, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाला जंप करके यहां आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा तो 4s1 3d5 हो जाएगा। अब यहां ये 5 जो जाएगा तो क्राइटेरिया जो रहेगा कि जिसके अंदर ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन, या ये कहें कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल अगर हाफ फिल्ड भरा हुआ है, हाफ फिल्ड है, ठीक है, हाफ फिल्ड है, यानी अगर आप देखें तो डी के अंदर 5 डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं ना, तो सब में एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ तो d5 हुआ, तो d5 होने पर एटम ज्यादा अपने आप को स्टेबल फील कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह d9 यानी ये मोर स्टेबल कंडीशन, मोर स्टेबल कंडीशन, ठीक है, और ये आपकी लेस स्टेबल, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह कॉपर, कॉपर की बात करें तो 29 कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन बदल जाएंगे, 4s2 और 3d9 आ रहा है। अब यहां पर भी मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन जल करके यहां से आगे चला जाए तो 4s1 3d10 हो जाएगा, 3d10 होने पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पेयर्ड हो गए, तो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड, डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन जब जंप लगाई तो डी ऑर्बिटल मतलब भर गया, तो डी ऑर्बिटल के भरने की वजह से कहते हैं कि ये वाली कंडीशन जो है एटम को ज्यादा स्टेबल करती है, एटम जो है वो ज्यादा स्टेबल आपको दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ठीक है। और खास बात ये कि सारे के सारे थर्ड बी ग्रुप में रखे, सारे के सारे एलिमेंट थर्ड बी ग्रुप एलिमेंट्स रखे हैं, ये रेडियो एक्टिव मोस्टली रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है, और ये रेयर अर्थ मेटल्स का है, रेयर अर्थ मेटल्स, जमीन पर पाए जाने वाले कम मेटल, रेयर अर्थ मेटल्स मतलब है कि कम पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, रेयर मतलब है कम कम जो होते हैं, ठीक है। अच्छा आप अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन देखें तो NS2 ये बड़ी स्ट्रिपिंग है, NS2 N-1 D1, ठीक है, D1 N-2 F1-14। अब यहां पर बड़ी अजीब सी बात है, यानी देखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन आप फिल करते जा रहे हैं, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन फिल करते हैं सीरियम एक एलिमेंट होता है 58, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन करते हैं पहुंचे 6s2 पर पहुंचे, तो जब 6s2 पर पहुंचे तो आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो अगला जो ऑर्बिटल है ना, वो अगला जो ऑर्बिटल आएगा वो इससे एक नंबर कम होगा, यानी 6 में से 6 में से 1 माइनस करें 5 d1। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, जैसे मिसाल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, एक तो यहां चला जाएगा, अब जो एक बचे वो अगले ऑर्बिटल में रहेगा जो कि इससे 2 नंबर कम है, यानी 6 6 -2 का मतलब 4,
तो 4F1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी, यानी आसान लफ्जों में कि जब आपके पास s ऑर्बिटल का भर जाए, s ऑर्बिटल का भर जाए, मजीद इलेक्ट्रॉन बचो, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन d बना देंगे और बाकी इलेक्ट्रॉन f पे डालेंगे, और उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे जब तक कि 14 कंप्लीट हो। जब ये 14 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर d1 के अंदर है d2 d3 d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ रही होगी, वो फिर एलिमेंट f का नहीं कहलाएगा, वो एलिमेंट d ब्लॉक का कहलाएगा, राइट। तो बात आपने समझ में आ रही होगी, आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि n2 n-1 d1 n-2 f1 से 14 की क्या कहानी है, क्या मसला है इसके अंदर। तो उसकी वजह जो है वो ये है कि जो d ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो कम होती है, इससे इलेक्ट्रॉन पहले उसको फिल करता है और उसके बाद फिर आगे की तरफ जो है वो मूव ऑन कर जाता है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, जो कि बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन जो एस पी डी एफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसको आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का सवाल इंटरेस्ट है इंशाल्लाह। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें रह गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की हेल्प से एलिमेंट्स के एड्रेस को फाइंड आउट करना, एलिमेंट्स की पोजीशन को मालूम करना, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स कहाँ एलोकेट कर रहे हैं, कहाँ मौजूद हैं, वो सब वाले हमारी डिस्कशन इंशाल्लाह होगी आने वाली क्लास में, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना चाहते हैं आपको लगता है कुछ बेहतर है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।